ज़हीर बेटा, ज़हीर बेटा। जी अल्लाह। ज़रा गाड़ी साइड में रोको। साइड पर रोको? हाँ, एक ज़रूरी बात करनी है, रोको। दादा जान, खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है। ज़हीर बेटा, तुमने जवाब नहीं दिया अब तक। कौन सी बात दादा जान? तुम्हारी शादी के बारे में। अजान, आप जानते हैं मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है, अभी तैयार नहीं हो तो फिर कब तक तैयार हो जाओगे? अजान, मैं उस हादसे को भूल नहीं पाया। हाँ बेटा, तुम हुमा को नहीं भूल पाए और यकीन जानो हम भी नहीं भूल पाए। लेकिन बेटा, जिंदगी इसी तरह आगे बढ़ती है, किसी के जाने से रुक नहीं जाती। बेटा, तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। यह हमारी नस्ल का सवाल है। कब तक इंतजार करोगे? कब तक खुद से इंतकाम लोगे? मैं किसी और को हुमा की जगह नहीं देख सकता। ठीक है, ठीक है, तो फिर हमारी आंखों से वो सारे ख्वाब नोच कर फेंक दो जो हमने तुम्हारे लिए सजा रखे। जैसे दुनिया के सारे वालदैन सजाते, और आज के बाद हम तुमसे कोई तकाजा नहीं करेंगे। अभिजान, मेरा मकसद आपको दुख देना नहीं है। तो सुख भी तो नहीं दे रहे तुम। जैसे आप की मर्जी बाबा जान, मुझे वाकई आपके ख्वाब छीनने का कोई हक नहीं है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चलो, अगर उसने और ज्यादा देर की ना तो फिर भूल जाए मुझे। तो तुम बेवफाई करोगी? अच्छा, मैडम को लग रहा है मैं अभी तक बेवफाई कर रही हूँ। अगर उसके बस में हो ना शादी करना तो एक मिनट में कर ले, लेकिन परेशान है बेचारा, क्या करे? बांसुरी बजाए, कम से कम बाबा जान और अम्मी जान से मेरा हाथ तो मांग ले। इससे पहले कि कुछ और हो जाए, हम दोनों फिर अफसोस करते रहेंगे और मैं फिर दुखी गाना गाऊंगी। जल्दीशा बीबी, बड़ी बीबी कह रही हैं कि मेहमान आए हैं, आप उनके लिए चाय ले जाएं। तो तुम बना कर दे दो चाय। वो बीबी जी कह रही हैं कि आपको मेहमानों से मिलना भी है। जाओ पानी रखो, मैं आ रही हूँ। जी। कौन मेहमान? पता नहीं, कोई और आए होंगे मुझे देखने, और फिर मुझे जाके हाजिरी लगानी पड़ती है। जा रही हूँ वरना अम्मी जान आ जाएंगी। बेटा, कराची में कौन से इलाके में रहाइश? अंकल, केडीए। अच्छा, केडीए स्कीम नंबर वन। जी। सर, मैं ये कॉल रिसीव कर सकता हूँ? अरे बिल्कुल रिसीव कर सकते हो, बल्कि आराम से बाहर जाकर बात कर। थैंक यू। कोई बात। हेलो, लुक्स डीसेंट। मुझे आप लोग और आपका घर बहुत पसंद आया।
परवीन सही तारीफ कर रही थी आपकी। बहुत शुक्रिया आपका, आपका अपनापन है। परवीन असल में बहुत सालों से हमें जानती है, बहुत पुराने मरासम है हमारे परवीन से। आजकल ऐसा रख रखाव और शराफत कहाँ नजर आती है। परवीन खाला, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। आप लोग जल्दी कराची तशरीफ ले आए, मुझे आपकी बेटी और बेटा दोनों बहुत पसंद आए हैं। जी इंशाल्लाह, ज़रूर, अल्लाह ने चाहा तो। जी खाला, जी जी, हम बिल्कुल सही सलामत पहुंच गए थे। नहीं, अम्मी मेरे साथ नहीं है अभी, मैं उनसे बात नहीं करा सकता। नहीं, मैंने नहीं देखा उसे अभी। अच्छा चलें, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ आप। मेरे ख्याल से बाहर कुछ टूटा है। एक घर के मुलाजिम भी ना, हर वक्त कुछ ना कुछ तोड़ते ही रहते हैं। सो सॉरी। चोट तो नहीं आई? खैरियत तैमूर बेटा, बाहर कुछ टूटा है, किसी के चोट तो नहीं लगी? नहीं अंकल, वो कुछ बर्तन टूटे हैं, सब सही है। अल्लाह का शुक्र है। आओ बैठ। जी बैठ बैठ। जैसे टूटता है, अब जल्दी जाओ वरना अम्मी फिर से आवाज लगा देंगी। आप तो ठीक है ना, कहीं चोट तो नहीं आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम जाओ। बहुत शुक्रिया, मुझे अब आपका और शाह साहब का इंतजार रहेगा कि आप जल्द से जल्द कराची आ जाएं। जी जी, क्यों नहीं, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी हम लोग आएंगे। आप फिक्र ना करें, मैं इनके घर की दहलीज पकड़ कर बैठ जाऊंगी। नहीं, ये लड़की वाले हैं, आराम से तसल्ली कर लें, हमें कोई जल्दी नहीं है। क्यों नहीं, बिल्कुल, आप लड़का और लड़की दोनों की माँ हैं, अपनी पूरी तसल्ली करें। जरतशा बेटी को तो बुलवा दें, मैं उससे भी मिल लूँ। जी ज़रूर, आइए मैं मिलवाती हूँ। आइए प्लीज़। तो फिर कैसी रही तुम्हारी प्रेड? एकदम बकवास। और ये सब तुम्हारी वजह से है? अगर वो सुहेल हिम्मत कर लेना तो मुझे सब कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हारे खानदान वालों को तुम्हारी बहुत फिक्र है, इतने रिश्ते आ रहे तुम्हारे। अच्छा मैडम, जिसको फिक्र होनी चाहिए उसे तो फिक्र है ही नहीं। उसे भी फिक्र है, लेकिन क्या करे, वो खुद भी परेशान है, हालात उसके हाथ में तो नहीं है। सोबिया, अगर हालात सही नहीं होंगे तो क्या हमारा रिश्ता भी नहीं होगा? तौबा, कैसी बातें करती हो तुम, होगा भाई, जरूर होगा। और तुम हमेशा ही बुरा क्यों सोचती हो? कभी अच्छा तो सोचा करो, अच्छे की उम्मीद भी रखनी चाहिए। अच्छी उम्मीद, और वो भी उस बुजदिल से जो आज तक मेरा हाथ नहीं मांग सका। वो मेरे साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगा? तुम देख लेना सोबिया, वो कुछ नहीं करेगा और मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। भाई शादी तो तुम्हारी जरूर होगी, लेकिन सुहेल से तुम अच्छी तरीके से जानती हो जरतशाह, कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। जानती हूँ, और अब तो ज्यादा जानने लगी हूँ। इस बार मुझे अम्मी जान और बाबा जान ज्यादा सीरियस लग रहे हैं, डर लगता है कुछ हो ना जाए। अच्छा मैं सुहेल से बात करती हूँ ना, तुम परेशान मत हो। तुम बात ही करती रहना और मैं यहाँ रुखसत हो जाऊंगी। क्यों मुझे डरा रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आज से पहले हुआ है जो अब हो जाएगा। मेरी सिक्स सेंस कह रही है कुछ होगा। सोबिया, उसको बोलो बाबा जान से मिले तो सही। बात तो कर ले, उनको तो कुछ पता भी नहीं है, कुछ मालूम भी नहीं।
इनको पता तो हो कि एक प्रपोजल सोहेल का भी है, तुम समझ रही हो ना? अच्छा ठीक है, मैं सुहेल से बात करती हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। कैसे लगे आपको लोग? मुझे तो लड़का बहुत मुहज़्ज़ब और बावकार लगा। माँ कैसी थी तबीयतन? काफ़ी सुलझी हुई खातून है, बिल्कुल भी बनावट नहीं है, बार बार आने का तकाजा भी करके गई हैं। इसका मतलब है आपकी बेटी पसंद आ गई उनको? और आपका बेटा भी।